वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अभी मैंने ब्लॉग एंड किया था थोड़ी देर पहले और मैं दोबारा से बना रहा हूँ। तो आज है पापा का बर्थडे और आज पापा के बर्थडे का जो सेलिब्रेट होगा वो होगा नानी घर पे। तो अभी ऑटो आ रखा है नीचे और अब हम जाएंगे और आपको दिखाते हुए जाऊँगा। तो लास्ट टाइम वैसे मैंने दिखा दिया था लेकिन अब मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊँगा क्योंकि आपने दिखा था लास्ट टाइम रक्षाबंधन वाली वीडियो पर। तो गाइस अभी मैंने ब्लैकी को खाना दिया था और अभी हम उसे नीचे चलाने चलते क्योंकि हम शाम को ताई जाएंगे, इसलिए हम ब्लैकी को यहाँ पर छोड़ के जा रहे हैं। तो गाइस मुझे लगा कि ब्लैकी को हम यहाँ पर छोड़ के जाएंगे लेकिन मम्मी बोल रहे थे कि हम उसे लेके जाएंगे क्योंकि वो भी पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करेगी। तो गाइस ब्लैकी चलेगी, मैं आपको ब्लैकी को दिखाता हूँ। उसे हमने अभी थोड़ी देर पहले ही नहलाया था। पापा ब्लैकी को टहला रहे हैं ताकि सुसु पट्टी कर ले और इसे हम ऑटो में बैठाएं फिर। तो चलो अभी सामान लेके आते हैं और धूप निकल ले जो कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। गाइस हम लोग बाहर निकल चुके हैं आप देख पा रहे हो। और गाइस जीवा ये रही, सामने ये बैठी है और मम्मी ये रही और ब्लैकी को हम लोग ले आए हैं आप देख पा रहे हो। आपके पास यहाँ पर बैठी है। गाइस मैं पहले नानी घर पहुँचा था, फिर मैंने कहा आपसे ये बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता है तो यहाँ पर वीडियो बनाऊंगा तो आपको आवाज़ आएगी सुनाई देगी हमसे। तो पहले मैं नानी घर पहुँचा फिर आपको दिखाऊँ। अभी नानी घर पर पहुँच गया हूँ और अभी तो वैसे मैं अभी थोड़ी देर सोऊंगा फिर आपको मिलता हूँ क्योंकि मेरे को नींद भी आ रही है। मैं सुबह जल्दी उठा था और आपने देखा होगा पिछले ब्लॉग में कि हमने केक काटा था। मैं बहुत देर पहले ही उठ गया था क्योंकि मेरे को बहुत सारे काम भी करने थे, जैसे कि मम्मी के साथ बाजार जाकर अपनी जो स्कूल की ड्रेस थी ना केवी की वो भी लेकर आनी थी और बैग भी लेकर आना था जैसे कि पेंसिल बॉक्स वॉक्स। ये हम आए हैं मॉडल टाउन की अजंता की शॉप पर जो कि यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल होती है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कितनी बड़ी शॉप है ये। यहाँ पर कुछ नहीं, जीवा आई थी चीज़ लेने कुछ और मैंने भी थोड़ा बहुत ले लिया और ये आया था चीज़ लेने जो कि रोए पड़ा है। और जीवा यहाँ से क्या निकाल रही है कि कौन ये चाहिए ना बस ले ले। और यहाँ पर देखो गाइस कितने सारे चिप्स हैं और ये रोए पड़ा है। बाकी आप पूरा टूर ले लीजिए और बहुत ज़्यादा बड़ी शॉप है, इसमें हर चीज़ अवेलेबल होती है देख पा रहे हो। यहाँ सैंडविच है जो कि 20 रुपीज़ का है और यहाँ है पिज़्ज़ा, नहीं नहीं ये पता नहीं क्या है, यहाँ है पिज़्ज़ा जो कि शायद से 30 रुपीज़ का है और यहाँ थोड़ा बड़ा पिज़्ज़ा है मोटा है जो कि ये 35 रुपीज़ का है। और आप देख सक पा रहे हो पूरा इतना सामान लिया है देख पा रहे हो। ये सब लेके आना था इसलिए मैंने अब सबको दिखाया नहीं, किसी और दिन दिखाऊंगा क्योंकि बाजार में जो फ़ोन है ना वो चुड़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और अभी गाइस मौसम बहुत ज़्यादा डरावना हो रहा है, बहुत ज़्यादा खतरनाक बरेली में। तो मैं आपको सब में जो ऊंची वाली छत है ना वहाँ पर चल के दिखाता हूँ, आप भी बोलोगे भाई क्या मौसम है। एक बार आप मौसम देखो इसमें, लेकिन फ़ोन में इतना खतरनाक नहीं दिखेगा, मैं तो सच बताऊँगा गाइस देखते ही डर गया हूँ, मौसम बहुत ज़्यादा ही खतरनाक सा हो गया। और अभी बारिश भी हो रही है, बूंदी गिर रही है। सामने की साइड गाइस जो मौसम हो रहा है वो आप फ़ोन में बिलीव नहीं कर सकते। जस्ट रियली अभी जो यहाँ पर ना मतलब कि यहाँ पर सूरज था हल्का हल्का और वो मतलब कि 5 सेकंड में ढल गया है। ओ गाइस मौसम बहुत ज़्यादा डरावना है और मेरे को तो ये डर लग रहा है कि ब्रेक ही ना उड़ जाए, इसलिए मैं इसे लेने आया था। तो अभी इसे नीचे ले चलूँगा मैं, तो मौसम अब बहुत ज़्यादा डरावना है और अब मैं ब्लैकी को नीचे लेके चलूँगा। तो चलो जल्दी से लेके चल, तो गाइस चलते हैं जल्दी से ब्लैकी को नीचे लेके क्योंकि बारिश आएगी बहुत ज़्यादा जोरों की। अब देख पा रहे हो पेड़ भी कैसे हिल रहे हैं, तो अब देखो गाइस सही से एकदम हम सही से देखो गाइस कैसे पेड़ हिल रहे हैं, मतलब कि अभी इतनी ज़ोर से भी नहीं हिल रहे हैं क्योंकि अभी कोई इतनी ज़ोर से हवा भी नहीं चल रही है, बहुत ज़ोरों की बारिश आएगी। देख लीजिएगा गाइस एक बार मौसम आप लोग सामने में जो मौसम हो रहा है ना वो तो मैं क्या ही कहूँ गाइस। सामने को देखिए कितना बड़ा बादल है वो भी काला। तो गाइस मेरी मम्मी ने और मेरे मौसी ने पापा के बर्थडे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा डेकोरेट किया, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा डेकोरेट किया है। तो देखो यहाँ पर वैसे अभी ठीक से नहीं दिखा, सही से दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस यहाँ पर बैलून लगे हैं
ऊपर तक। और जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में जहर लर दिखाई थी ये वही है। तो अब ये मेरे से आई है समझ में, और आप देख पा रहे हो यहाँ पर पपलू ने हमने कुछ इसको ऐसे धागे से सपोर्ट दे रखा है, धागे से इसमें भी सपोर्ट दे रखा है धागे से, ताकि जो है ना गिरे ना। तो कुछ इतना हुआ है डेकोरेट, लगे देख पा रहे हो चढ़ी हुई है मेरे ऊपर, चाटे जा रही है। अब ये हाथ खाने में लग गई मेरा। तो आप देख पा रहे हो गाइस, चाटती रहती है ये। गाइस अब मैं आपको पापा के बर्थडे केक दिखाऊंगा, चलो दिखाते हैं। गाइस आप केक देख रहे हो, इसमें दो पांडास बने हैं। तो केक ऐसा है कुछ, मेरे को तो अच्छा लग रहा है। तो इसमें गाइस एक मम्मी है और एक पापा है। हैप्पी बर्थडे टू यू जी, केक शेक है तो फिर बुलाओ जी, ऐसे ही तुम बुढ़े होते रहोगे, हमको उससे क्या मतलब बताओ जी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हाँ जी, तो इस पे इतने खुश क्यों हो ऐ भाई, तुम तो बरसों पहले ही निकल चुके हो, तो बर्थडे वाला नाटक ये क्यों है भाई। कैंडल शैंडल भूख से बुझा के, बेसुरों की भीड़ फालतू में लगवा के, बर्थडे वाला सॉन्ग जोर जोर से गवाते हो, हमसे ताली शाली का हजाम मत करवाते हो। ये सब नौटंकी फिर भी चलो झेल ले, केक शेक को स्टार्टर्स भर भर के आए प्लेट में, घर जाके फिर से डिनर न मंगवाना हो, चूहे ना दौड़े पेट में रात के पौने दो। हैप्पी बर्थडे टू यू जी, सोच समझ के इनवाइट भिजवाओ जी, अगर पेट पूजा का फुल इंतजाम है तो ही न्योता कंसीडर करेंगे जी। हैप्पी बर्थडे टू यू कह दिया है जी, तुम और भी बुड्ढे हो गए ओ तेरी, दिल छोटा ना करो उम्र का है क्या, बाल झड़ेंगे दांत गिरेंगे वैसे ही। देखो कोई पुराना गिफ्ट हम जो ढूंढ पाए, एक्सपेक्ट तभी करना हम कुछ हाथ में लेकर आए, यू आर ऑन माई फ्रेंड लिस्ट ये नहीं मजाक है, हम टाइम निकाल के आ गए तो बड़ी बात है। वैसे सच बताओ तुम अब कितने साल के हुए, हमको क्या पड़ी है हम किसी को ना बताएं, मुना बिगाड़ो आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम अकेले हो नहीं यहाँ और भी बुड्ढे हैं, सोच सोच के और बीपी ना बढ़ाओ, सिंग हैप्पी बर्थडे टू मी, बत्तीस चमका के चिल्ला कर गाओ, हैप्पी बर्थडे टू मी। अब पैसे वैसे खर्चे हो और केक भी मंगवाए हो, तो पार्टी खत्म होने के बाद सर पटकना जी। हैप्पी बर्थडे टू यू जी, कैसी लगी तुमको मेरी फिलॉसफी, पैदा होके भी तुमने ऐसा क्या किया है, धरती पे बोझ तुम बने हो जी। हैप्पी बर्थडे टू यू, बट यू सी उम्र छुपाने का नाम है जिंदगी, मुझको बुलाओ ना बुलाओ पर बताना, ये बर्थडे वाला सॉन्ग हिंदी में तुमको कैसा लगा है जी। तो गाइस अब आप देख सकते हो मम्मी प्लेट को रेडी कर चुकी हैं। तो गाइस यहाँ पर है कोल्ड ड्रिंक, और यहाँ पर चॉकलेट और बिस्किट और मोमोज और केक है, इतनी सारी। अब मैं भी खा लेता हूँ कुछ, क्योंकि मैं भी बहुत देर से भूखा हूँ। पेप्सी है और चॉकलेट है और मोमोज है और केक है और बिस्किट है, तो पहले मैं खा लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। मैंने टी शर्ट बदली क्योंकि उस वाली टी शर्ट पे सन चुका था केक, और आज की छोटी सी बर्थडे पार्टी थी ये। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की वीडियो का हम लाइक एम रखते हैं 25, जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दीजिए। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।